ओम शांति। बाप दादा श्रीमत दे, अंतर्मुखता की गहराइयों में समा जाओ। जितना जितना अंतर्मुखी बनेंगे, सामने वाली आत्माओं को उनकी दृष्टि से, चेहरे चाल चलन से पहचान जाएंगे। शांत चित स्थिति में स्थित होकर अंतर्मुखी आत्मा बनकर मनसा सेवा द्वारा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं का परिवर्तन सहज कर सकेंगे तो अनुभव करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति की गहराइयों में जाएंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरी शांत वृत्ति मेरे मौलिक गुणों मेरी शक्तियों का स्रोत है। जितना जितना शांति का अनुभव करूंगी, अंतर्मुखी बनकर रहूंगी, उतना उतना गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न बनूंगी। शांत चित स्थिति मुझ आत्मा को अंतर्मुखता का विचित्र अनुभव करा रही है। एक अलग ही दुनिया है यह अंतर्मुखता की गुफा। रूहों का ही निवास है यहां, हर तरफ रूहें ही रूहें हैं। देह अथवा देह के संबंध स्थूल वस्तुओं का अभाव है। यहां रूह रियान भी आत्मा से आत्मा का संबंध भी आत्मिक, दृष्टिकोण भी रूहानियत से भरा, लौकिकता का पूर्णतया अभाव है। तो सभी अनुभव करें ऐसी एक विचित्र दुनिया
जहां निराकारी आत्मा ही आत्माएं हैं, आत्मा ही दिखाई देती है, आत्मा से ही बात होती है। आत्माओं की यह दुनिया जहां शांति ही शांति है, मैं आत्मा स्वयं को साक्षी स्थिति में अनुभव कर रही हूं। अब आ जाए लौकिक दुनिया में, इस देह से न्यारे होकर सभी को आत्मा भाई निराकार के रूप में अपने समक्ष अनुभव करें, जैसे कि मैं देह से संकल्प मात्र भी अटैच नहीं हूं, बेहद की न्यारी और प्यारी अवस्था मुझ आत्मा को अतींद्रिय सुख की अनुभूति करा रही है। तो अनुभव करें आत्मा ही आत्मा की दुनिया में, इस स्थूल दुनिया से उपराम, देह के संबंध के बंधन से उपराम, सुख सुविधा के साधनों से उपराम, अतींद्रिय सुख शांति ही शांति मैं न्यारी आत्मा, एक अलग ही अपनी दुनिया, जहां आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही आत्मा की सुनती है, पांच तत्वों के शरीर से न्यारी, अनुभव की यह दुनिया आवाज से परे, यह दुनिया बेहद न्यारी और प्यारी अवस्था है। यह एक शिव बाबा पिता के समक्ष अनुभव करें, सर्व आत्माएं बाबा के समक्ष निराकार, बाबा निराकार हम आत्माएं,
निराकार शिव बाबा से निकलती। सात रंगों की दिव्य किरणें मुझ आत्मा को सतोगुणी बना रही है। सतरंगी किरणों को समाता अनुभव करें। खुद को भरपूर करें सातों गुणों से। सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता गुण ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर हो जाएं। अब अपने दिव्य प्रकाश द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को मास्टर दाता की सीट पर सेट होकर सातों गुणों का आठों शक्तियों का दिव्य ज्ञान रत्नों का दान करें। अनुभव करें मुझ आत्मा से निकलती दिव्य प्रकाश की किरणें। विश्व की एक एक आत्मा में समाती जा रही हैं। विश्व के कोने कोने तक मेरे दिव्य प्रकाश विश्व के कोने कोने को जगमग बना रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व मेरे दिव्य प्रकाश को स्वयं में समा रहे हैं। चारों ओर हरियाली हरियाली। अनुभव करें सुंदर बाग बगीचे। कल कल करते झरने अनुभव करें। साफ स्वच्छ बहती नदियां अनुभव करें। स्वर्ग के नजारे को अपने समक्ष अनुभव करें। सारी प्रकृति के पांचों तत्व सतोप्रधान बन गए हैं। मुझ आत्मा के लिए एक नई दुनिया तैयार। बाबा मुझे लेने आया है। बाबा के साथ हम सब आत्माएं अपने घर जाएंगी। अपना घर शांति धाम। जहां चारों ओर शांति ही शांति। फिर बाबा सतयुग में भेजेंगे।
सतयुग में अवतरित होता स्वयं को अनुभव करें। पवित्र चोले में मैं आत्मा विष्णु महाराजन की सीट पर सेट हो गई। पुनः अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करें। इस संगम युग की में श्रेष्ठ पिता परमात्मा की श्रेष्ठ संतान अंतर्मुखता की गहराइयों में जाकर सर्व गुणों की अनुभूति कर, सर्व शक्तियों की अनुभूति कर, संपन्न संपूर्ण बन गई हूं। मेरा स्वरूप सारे विश्व को परिवर्तित कर रहा है। सर्व आत्माएं मेरी संपूर्णता का सहज अनुभव कर रही है। मेरी दिव्य शक्ति सर्व आत्माओं को अशरीरी विदेही अवस्था प्राप्त करा रही है। वे स्वयं के ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो रही हैं। उनका इस देह से ममत्व तो समाप्त हो रहा है। वे स्वयं को देह से न्यारा पिता परमात्मा का प्यारा अनुभव कर रही हैं। बाबा के यज्ञ में साथी सहयोगी बनकर संपूर्णता की ओर जा रही है। योग में जो बाबा ने महावाक्य दिए नयनों के इशारे से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। यही अंतिम कोर्स पढ़ना है जिसके लिए बाबा अंतर्मुखता की गहराइयों की श्रीमत देते। शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करने की श्रीमत देते। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने की श्रीमत देते। ऐसा मेरा पिता परमात्मा मुझ आत्मा को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ। तो बाबा का शुक्रिया करें। वाह बाबा वाह, अपने श्रेष्ठ भाग्य की अनुभूति करें।
वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ओम शांति।